बॉयफ्रेंड को पुकारने के लिए पांच बहुत ही अच्छे नाम। मीठी आवाज़ आपकी लगेगी, सामने वाले को सुनने को भी मज़ा आएगा। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम अलग भाषा में कुछ बोलते हैं, मीनिंग वही होता है, लेकिन चेंज हो जाता है वो कहने का शब्द। मतलब सबसे पहला जो नाम है, निकनेम है, वो है अमोर मियो, यानी कि माय लव। इसे इटालियन भाषा में आप अमोर मियो कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है मेरा प्यार। लेकिन अगर आप इटाली में कहेंगे, इस लैंग्वेज में कहेंगे, तो मीनिंग वही रहेगा, लेकिन सुनने वाला को कुछ नया सुनने को मिलेगा। आप जैसे ही कहेंगे कि अमोर मियो, तो कुछ अलग सुनने को मिलेगा। और निकनेम में कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसी ही छोटी मोटी खासियत होती है जिससे सुनने वाले को बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहला ये निकनेम है। दूसरा जो निकनेम है वो है कैप्टन। आप दोनों के बीच में ज़्यादातर फैसले या ज़्यादातर मैनेजमेंट वो करते हैं, तो आप उन्हें कैप्टन कह सकते हैं। उस तरह से कह सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से भी कह सकते हैं, और उस तरह से भी उनको थोड़ा चिढ़ाने के लिए भी कह सकते हैं कि अगर हर जगह उन्हें सब कुछ संभाल लेना है, सब कुछ कर देना है, हर जगह नेता बनते घूम रहे, तो कैप्टन कह के थोड़ा चिढ़ा भी सकते हैं। तो कैप्टन भी एक अच्छा नाम सुनने के लिए हो सकता है। तीसरा बॉयफ्रेंड को पुकारने का निकनेम है, वो है पपी। पपी हम कुत्ते के बच्चे को कहते हैं, लेकिन क्यों पपी? अगर आपका बॉयफ्रेंड भोला है, बहुत ही स्वीट दिखता है, जब वो हंसते हैं तो अच्छे लगते हैं, वो प्यारे प्यारे हैं, वो ज़्यादातर बात पे गुस्सा नहीं करते, वो आपके आसपास ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही जीना चाहते हैं, जैसे एक पपी अपने आसपास के लोगों के साथ घुल मिल जाता है, वैसे ही वो मिल जाते हैं। तो वो छोटे से प्यारे से ऐसा पुकारने के लिए पपी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका गलत मतलब ना निकले, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा नाम है बुबू। देखिए, इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, लेकिन आप अपने बॉयफ्रेंड अगर थोड़ा मोटा है तो उनको चिढ़ाने के लिए बुबू कह सकते हैं, क्योंकि बोलने का तरीका शब्द भी वैसा ही कुछ मीनिंग आ रहा है कि आप थोड़े मोटे हैं, तो उस तरह से बुबू कहकर उन्हें चिढ़ा सकते हैं और निकनेम दे सकते हैं। निकनेम में ऐसा ही होता है, थोड़ी मस्ती, थोड़ा फन, थोड़ा प्यार, इस तरह का निकनेम आपको चूज़ करना चाहिए जिससे सामने वाले को बहुत ही अच्छा लगे। अब आखिरी और पांचवा है माय प्रीसियस। देखिए दोस्त, प्रीसियस का मतलब होता है बहुत ही कीमती, तो मेरा कीमती है, इस तरह से कहकर माय प्रीसियस कह सकते हैं। जब कुछ लोगों को होता है कि उन्हें इंग्लिश मीनिंग वाले निकनेम चाहिए होते हैं, जो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा नाम हो सकता है माय प्रीसियस। और आप अपने बॉयफ्रेंड को ये एहसास भी दिला सकते हैं कि वो कितने कीमती है आपके लिए ऐसा नाम देकर। तो ये पांच बहुत ही अच्छे निकनेम कहे या क्यूट नेम अपने बॉयफ्रेंड को पुकारने के लिए, जिसमें था अमोर मियो, जिसका मतलब माय लव होता है, अगला था कैप्टन, अगला था पपी, अगला था बुबू, और लास्ट में हमने देखा माय प्रीसियस। कौन सा नाम सबसे अच्छा आपको लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे जी बी एफ राजा मजमू लेला, जो भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।